मध्य प्रदेश के बैतूल में बुधवार को राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक निलय डागा का शामिल होना चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर विधायक का कहना है कि आमंत्रण पत्र में कहीं नहीं लिखा था कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है और वो पत्रकारों के सम्मान कार्यक्रम में गए थे। बताया जा रहा है कि आरएसएस ने ये कार्यक्रम बैतूल के जेएच कॉलेज में आयोजित किया था। ये कार्यक्रम महर्षि नारद जयंती के अवसर पर हुआ। इसमें बैतूल के लोगों का सम्मान किया जाना था। इसका आयोजन आरएसएस के प्रचार विभाग ने किया था। जैसे ही विधायक डागा को पता चला कि ये कार्यक्रम संघ का है तो वो बीच से ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे। जब इसके बारे में विधायक निलय डागा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसने भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया था उनके साथ पारिवारिक संबंध है। ये कार्यक्रम पत्रकारों के सम्मान से जुड़ा था, इसीलिए वो वहां गए थे। कांग्रेस विधायक निलय डागा ने दावा किया है कि वो पुश्तैनी कांग्रेस में है और अर्थी उठने तक कांग्रेस में ही रहेंगे। हालांकि संघ के इस कार्यक्रम में निलय डागा का जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।